What is up, guys? पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं तैयार हो चुका था, नहा धो चुका था और मेरा लुक कुछ ऐसा है, वाइट एंड ब्लैक ऑन द टी शर्ट, ब्लैक डेनिम्स एंड आई डोंट नो, आप लोग देख पा रहे हो, वाइट एंड ब्लैक ऑन द शूज। अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। हम आज भी इसी प्रॉपर्टी में रुकेंगे, लेकिन ये व्लॉग इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, ये उन एक्टिविटीज़ के बारे में है जो हम जयपुर में करेंगे। तो मेरा परिवार लंच खाने जा चुका है, तो मैं जल्दी से भाग रहा हूँ। शायद लंच दिखाऊँ, शायद ना दिखाऊँ, बट शाम में हम एक बहुत कूल जगह जा रहे हैं डिनर खाने। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग। मुझे लग रहा था ये लोग मेरे को छोड़ के सारे लंच खाने चले गए, लेकिन ये लोग अपने बेडरूम में इंतज़ार कर रहे थे। बाय द वे, जो पिछले व्लॉग में मैंने कहा था लड़की जूते अनबॉक्स कर रही है, जिनके पैसे मैंने दिए वही ये जूते हैं। कैसा लग रहा है लड़की जूते अनबॉक्स करके? अभी इसको भूख लगी हुई है तो थोड़ा ये ऑड बिहेव करेगी, ये खाना खा के ठीक हो जाती है। तो ये हमारा लंच आ गया, बड़ा ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है नासी गरेंग का। लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, तो आज की प्रेजेंटेशन और हॉस्पिटैलिटी बहुत ही बढ़िया होती है। इससे ज़्यादा लंच दिखा के मतलब नहीं है, लेकिन डिनर पूरा दिखाऊंगा मैं, एक एक आइटम दिखाने वाला हूँ आपको डिनर का। और वेजिटेरियंस मत देखना। तो ऐसा लग रहा है कि ओवर ईटिंग हो गई है, और आज मैंने ना बहुत टाइम बाद डिज़र्ट भी खा लिया है, तो ऑफ शुगर था मैं, तो एकदम मुझे ना नशे से लग रहा है, नींद की बेहोशी आ रही है मुझे। तो मैं थोड़ी देर नैप मार के आप लोगों से कनेक्ट करूँगा और फिर हम शाम में चलेंगे। मच 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 लेटर। तो आज ऑलमोस्ट 24 आवर्स बाद मैं अपने होटल रूम से, मतलब होटल से बाहर आया हूँ, होटल रूम से तो बहुत बाहर आया हूँ, बट होटल रूम से अभी बाहर आया हूँ। हम लोग जा रहे हैं एक एक्सपीरियंस को इन्जॉय करने, जो आप लोग भी करोगे मेरे साथ। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती, बत्ती गुल। तो मैं गाड़ी की इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद हम को मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ और फिर मैं सीधा वहाँ पहुँच के कनेक्ट करूँगा आप लोगों से। तो गैस हम आए हैं लीला पैलेस फॉर डिनर, अभी दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं हम डिनर के लिए। सो गाइस, जिस रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ, फाइनली उसका नाम रिवील कर देता हूँ, उसका नाम है मोहन महल। एंड टॉक अबाउट कैंडल लाइट डिनर्स, द इंटायर रेस्टोरेंट इज ओनली ऑफ कैंडल लाइट, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। जैसे कि आप एंट्रेंस पे भी देख पा रहे हो, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। लुक एट दिस गाइस, परिवार मेरा पहले ही पहुंच गया, मैं कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा बाहर था। हाउ डू फील पपेश के गाइस? यूनिक एक्सपीरियंस है, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं हम इन अ कैंडल लिट प्लेस। गाइस यहाँ का ना एक फिक्स्ड मेन्यू है, एक वेजिटेरियन मेन्यू है, एक नॉन वेजिटेरियन मेन्यू है, और एक बार आप डिसाइड कर लो कि आपने वेज खाना है नॉन वेज खाना है, उसके बाद वो आता रहता है। मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ, पहले ये मेन्यू है गाइस, ये वेजिटेरियन चॉइसेस हैं, ये वेजिटेरियन चॉइसेस में वेजिटेरियन ब्रेड्स हैं और डेजर्ट्स हैं, ये फिर नॉन वेजिटेरियन चॉइसेस हैं, उसके साथ नेक्स्ट पेज पे नॉन वेजिटेरियन ब्रेड्स और डेजर्ट्स हैं। रेडी? हाँ जी। द फर्स्ट वन इज बंजारा चाप, इट्स अ लैम्ब रिब प्रिपरेशन विद मखानिया चिली। सेकेंड वन इज सिलबट्टे की शामी, स्टोन ग्राउंडेड लैम फ्राइटी विथ हर्ब्स एंड ओनली फ्राइड इन घी। लास्ट वन इज मुर्ग बाजरे का सीख, इज अ राजस्थानी विजन ऑफ चिकन सी कबाब विद मिलेट ग्रेन कोटेड इन इट। तो आई एम गोइंग टू टेक माय बाइट इन द प्लेटर, चिकन सीख से ट्राई करते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था यहाँ का मैं खाना दिखाने वाला हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई राउंड ऑफ स्टार्टर्स, अब हमारे मेन्स आने शुरू होंगे। इतने में एक बार फिर दिखाता हूँ मैं जगह कितनी खूबसूरत है आप लोगों को। तो गाइस मेरा खाना कुछ ऐसा लगता है, ब्रेड्स, मीट चिकन एंड समथिंग एल्स वेजिटेरियन आई बिलीव,
दाल बाटी, दाल बाटी छोड़ो, ये शी विल एक्सप्लेन व्हाट ऑल वी ईटिंग एक इन अ प्लेट दाल बाटी एंड चूरमा दिस थ्री राजस्थानी क्लासिक डिश दाल एज यू नो इट्स अ लेंटिल स्टू विद द स्पाइसेस बाटी इज बेसिकली अ वीट डो वी बॉइल इट फर्स्ट देन फ्राइड इट एंड देन डिप्ड इट इन द घी ओके एंड द चूरमा इज मेड ऑफ सेमोलिना वीट एंड ड्राई फ्रूट एंड शुगर Alright. So you have to crush the bati well, mix the dal in it, and then if you'd like to have a sweeter taste in your bite, sprinkle the churma on top. Okay. Come to next, raita. Raita. Jodhpuri ghatta pulao. Jodhpuri ghatta pulao. Yes. Okay. This is a ghatta in its gram flaky. And achari khe sangri, desert grown bean and berries with a pickle taste. Okay. This. And next. मेथी दाना किशमिश की सब्जी इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा मलाई मिर्ची लॉन्ग ग्रीन चिली ग्रोज इन राजस्थान यू गिव द क्रीमी स्ट्रक्चर फॉर इट वंस यू हैव इट यू विल फील द क्रीमीनेस फर्स्ट एंड द क्लश इज हिट द स्पाइसी दिस नेक्स्ट इज गट्टा करी गट्टा करी ओके यस गट्टा करी दिस खटका मुर्ग चिकन प्रिपरेशन इट्स अ खटका मुर्ग चिकन प्रिपरेशन विद केजू एंड टमाटो ठीक है एंड दिस शराबी मास इज अ लैम्प प्रिपरेशन विद मथानिया चिली एंड रम इन इट दिस शेकावटी नली गोश शेकावटी नली गोश ओके लैम्प प्रिपरेशन विद लोकल स्पाइसेस ठीक है एंड फोर काइंड ऑफ ब्रेड्स फोर काइंड्स ऑफ ब्रेड्स फर्स्ट वन इज बिना पानी का रोटी बिना पानी का रोटी इज मेड ऑफ आलमंड कोकोनट एंड घी इट टेस्ट स्वीट सो यू कैन हैव इट डायरेक्टली ओके द सेकंड वन इज कोबा रोटी यूनिक शेप दिस इज व्हाट Koba roti. It's a handcrafted wheat and spices bread. Alright, and then? Third one is Bejad ki tikkad. It's okay. made of four flours. Mm-hmm. Kind of multigrain roti. Okay. The last one is Bajre ka roti. Millet bread. Bajre ki roti. Thank you for being so kind and explaining it to my audience. तो गाइस बेसिकली मैन वर्सेस फूड में क्लियरली फूड जीतेगा मैन जीत नहीं पाएगा मैन इतना फूड खा ही नहीं पाएगा बट कोशिश करूंगा कि हर एक आइटम टेस्ट करूँ एक एक बाइट हर एक आइटम की लूँ एंड वेजिटेरियन आइटम्स भी टेस्ट करूँगा यहाँ तक जो हैं वेजिटेरियन आइटम्स हैं 1, 2 and 3 आर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बट शुरुआत हम करेंगे दाल बाटी से चूरमा डालेंगे कि नहीं डालेंगे पता नहीं बट चलो शुरुआत की जाए तो बेसिकली इसको अपन ने क्रश करना है इस पर दाल गिरा देनी है मेरे को कैमरा छोड़ना पड़ेगा आई कांट डू इट विद वन हैंड तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने नॉन वेज सारी पीसेस वगैरह तो खा लिए बट कुछ कुछ मैंने सारा थोड़ा थोड़ा खाया रायते का छोड़ के ब्रेड्स भी थोड़ी थोड़ी खाई बट जैसे कि पहले ही कहा था मैंने कि मैन वर्सेस फूड की लड़ाई में आज फूड जीत जाएगा आज मैं नहीं जीत पाया थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे बिकॉज बहुत सारा खाना वेस्ट हुआ है तो गैस मेरी रिकमेंडेशन है यहाँ पे लंच के टाइम आना कि आप आराम से खा सको और शाम शाम में जला दो इधर उधर जयपुर में घूम घाम के अभी डिजर्ट्स बाकी हैं गैस डेजर्ट्स आ गए हैं योगिता जी हमें फिर से इनलाइटन करेंगी इन अ बॉल मूंग बादाम का हलवा नेक्स्ट rectangle one is milk cake indian version of milk cake which called kalakhand in india okay triangle one is malai khevar is a traditional rajasthani sweet khevar and enjoy. How many calories are we looking at 200 in each so three sweets 600 calories. And the platters that came by honestly it's 1200 calories 1,200 calories yes. for the whole platter. Yes. And the breads. And the starters. No, starter is different because it has ghee in the middle. So guys, in short, I think 4,000 calories खा ली हमने. आप बड़े खुश हो रहे हो जी calories खा के? सुन खाई नहीं. सो गैस डिनर खा पी के अपन निकल रहे थे कि मेरे को ये नज़ारा दिख गया एंड क्या रिफ्लेक्शन पड़ रही है सामने वाले उस स्ट्रक्चर की पानी में आई है ठीक है व्हाट अ प्रिटी प्रॉपर्टी गैस
अगली बार अगर कभी जयपुर आना हुआ ऐसी अय्याशी काटने तो आई थिंक हम यहाँ रहेंगे। क्यों पुत्री? अगले हफ्ते अगले महीने आएंगे गाइस। हमारे पास हम अमीर नहीं है। ये लड़की जैसे बातें करती है गाइस, हम अमीर नहीं है गाइस। खा के हम निकल चुके हैं और पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सीट बेल्ट भी मुझे घोंट रही है, मतलब घुटन सी हो रही है। डोंट नो घोंट रही एज अ वर्ड और नो, ऑफकोर्स घोंट एज अ वर्ड बिकॉज गला घोंटते हैं ना। सीट बेल्ट मेरा पूरा मेरा आत्मा घोंट रही है। एंड बेटा सड़क दिखा। तो मैं अपनी को व्लॉगर डॉक्टर भाव्या के साथ वापस अपने होटल जा रहा हूँ और ये एक नाइट ड्राइव है जयपुर की। इस व्लॉग में और कुछ रह नहीं गया क्योंकि बेसिकली ये व्लॉग उस दावत के बारे में था जो हम इंजॉय करके आए हैं, और अब कुछ खास रह नहीं गया। ज़बरदस्ती घसीटने के लिए घसीटा जा सकता है, कल दिल्ली जा तो सड़क भी दिखाई जा सकती है, बट ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं वापस अपने होटल पहुँच के ये व्लॉग एंड कर दूँगा, और रास्ते में कुछ अगर रोमांचक दिखा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, वरना सीधा होटल से कनेक्ट करेंगे। तो गैस घर जाते जाते मैंने कहा थोड़ा घर नहीं मतलब होटल जाते जाते मैंने कहा थोड़ा हवा महल देख लेते हैं। अभी हवा महल के बाहर से हम गेड़ी लगाते हुए घर जाएंगे। तो गैस ये हवा महल है और बस यही हवा महल है। तो बेसिकली क्या है ना हवा महल की स्टोरी, ये आगे से महल लगता है बट इसके पीछे कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हवा महल। अब चलो गाइस बाय कर दो हवा महल को, क्योंकि अब हम ऐसे ही एक होटल निकल जाएंगे अपने। सो गाइस फाइनली बैक एट द रूम, और अब वक्त आ गया ये व्लॉग ख़त्म करने का। मैं दिल्ली की वापस तक की जर्नी नहीं दिखाऊंगा। परसों एक मोटर एक राइड प्लान्ड है और एक मोटो व्लॉगर्स के साथ आएगा। मच लव, बाय बाय।